चंबा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एचआरटीसी हिमाचल रोडवेज की बस नैनी खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में दो यात्रियों की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल के चंबा में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक बस और जिसमें दो यात्रियों की मौत हो गई है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 48 यात्री सवार थे। भरमौर से धर्मशाला ये बस जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल के चंबा से, दो यात्रियों की मौत हुई है, वहीं कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे संवाददाता पराक्रम फोन लाइन पे जुड़ गए। पराक्रम, कितना बड़ा हादसा है ये, क्या कुछ आंकड़े निकल के सामने आ पाए? क्या हताहतों की संख्या बढ़ी है या अभी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, जो चंबा में सरकारी बस गिरी है उसमें जो सवार थे 50 से 52 लोग सवार थे, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी 12 के करीब जो है घायल हुए, जिनको की अस्पताल जो है वहां पर पहुंचा दिया गया और उनका इलाज चल रहा है। जिनमें से भी 7-8 लोग जो है काफी इंजर्ड है, गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज जो है वहां पर चल रहा है और अभी तक जो है राहत का बचाव कार्य है पूरे लगभग कर लिए गए हैं, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया है कि ये जो बस है किस कारण से जो है खाई में गई और क्या हादसे के कारण रहे हैं। जी, क्या हादसे के कारण क्या अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाए? वजह कुछ सामने बताइए प्रशासन की तरफ से, आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे और जो कैपेसिटी थी बस की, क्या उससे अधिक सवारी उसमें थी? अरे देखिए, रात का हादसा है, क्योंकि आधी रात को ये हादसा पेश आया है तो सवारियां तो लगी 52 सीटेड बस थी, तो सवारियां जितनी होनी थी बस में उतनी ही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या वजह रही कि ये हादसा पेश आया। लेकिन जिस तरह से जो इनपुट है वो यही जा रही कि जो ड्राइवर था वो गाड़ी से जो है नियंत्रण खो बैठा था, तो उसी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। अभी उसको ड्राइवर को या तो नींद आई होगी या दूसरी कोई वजह रही होगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि हुई नहीं है। तो ऐसे में अभी पुलिस वहां पर पहुंची और जांच कर रही है कि हादसे के कारण जो है क्या रहे हैं। जी, क्या ड्राइवर से पूछताछ हो पाई है? ड्राइवर की स्थिति कैसी? देखिए, ड्राइवर की स्थिति कभी अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि घायल है अभी और उससे भी कोई पूछताछ हो नहीं पाई है। तो ऐसे में अभी इंतजार करना पड़ेगा, जब ड्राइवर स्थिति में होगा अभी वो कुछ बता पाए तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार हादसे के कारण क्या रहे हैं। हाँ, जो दो लोगों की मौत हुई उसकी पहचान हो गई है। एक पांगी का जो था व्यक्ति, उसकी मौत हुई है, उसकी उम्र 50 साल है, जबकि एक व्यक्ति कानपुर का है, उसकी मौत हुई है और वो 48 साल का है। जी, जो जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या इस रोड पर, इस रूट पर क्या आए दिन इस तरीके से हादसे होते रहते हैं या ये एक काफी लंबे वक्त के बाद कोई हादसा हो पाया है? देखिए, ये जो सड़क है इतनी खराब भी नहीं है और इस सड़क पे हालांकि हादसे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ जो है पहले भी छोटे मोटे हादसे हुए हैं, लेकिन अभी तक सड़क किसकी वजह रही है, सड़क की खराब हालत इसकी वजह रही है ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सड़क के वहां पर उतनी खराब नहीं थी जितनी की हिमाचल प्रदेश में और सड़कें रहती है। अब इसका जांच के दिशा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस हादसे का कारण क्या रहा है। जी, ये जिस जगह पे हादसा हुआ है कैसी जगह है, लोकेशन क्या इस हादसे की और जो शहर है उससे कितनी दूरी पर है ये? देखिए, जो इलाका है ये शहर से काफी दूर है, भरमौर का और कवायली क्षेत्र ये है और वहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां काफी पेड़ है और ये जो पेड़ों की वजह से ही जो है बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम। हमारे साथ चंबा से, चंबा के SP हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका TV100 में। जो ये हादसा हुआ है, बस हादसा, क्या ये आपकी जानकारी में है? ये जानकारी में है, ये रात के करीब 1:30 बजे हुआ था और ये HRTC की बस थी जी। और ये भरमौर से धर्मशाला के लिए जा रही थी जी। इसमें कुछ इंजर्ड भी हुए हैं और 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है। पता लग पाया है कुछ आपकी जांच में कि किस वजह से ये हादसा हुआ? अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उसमें पाया गया कि ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर का बयान हो पाया है अब तक? इनफैक्ट इंजर्ड है इसमें काफी लोग, तो पुलिस रात को ही मौके पहुंच गई थी और इसमें जो है ना आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 100 से बात करने के लिए। तो हिमाचल के चंबा में एक बड़ा बस हादसा हुआ है, खाई में जाकर बस गिरी, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और बस की कैपेसिटी के हिसाब से बस में सवारी थी लेकिन 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है, 45 से अधिक सवारी इस बस में सवार थी। हिमाचल के चंबा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है।